आज हम एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात ही करेंगे। कुछ दोस्तों ने, कुछ हमारे मरीजों ने सवाल भेजे हैं हमारे पेज के ऊपर, जिसमें से कुछ सवाल हमने निकाले हैं जो बड़े कॉमन सवाल हैं, उनके हम आपको जवाब देंगे। मैं हूँ डॉक्टर सईद आफरीदी, कंसल्टेंट कार्डियक सर्जन लाहौर। सबसे पहला सवाल उन्होंने भेजा है कि बाईपास ऑपरेशन क्यों ज़रूरी है। बाईपास ऑपरेशन अगर आपको रिकमेंड हो गया है, डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी दिल की खून की नालियाँ बंद है और आपको बाईपास करवाना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि आपकी दिल की खून की नालियाँ बंद है। अगर आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा बंद होना शुरू हो जाएंगी और किसी दिन किसी मेजर हार्ट अटैक की वजह बन सकती है। और अगर मेजर हार्ट अटैक हो गया, उसके अंदर सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है वो खुदा ना खास्ता मौत का वास्ता होना। अगर मौत वाकई नहीं भी होती तो वो आपके दिल को इतना डैमेज कर देगी कि आपके लिए नॉर्मल लाइफ में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी अगर आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन 20% या 25% 25% रह गई है, उसमें बंदा जिंदा तो रह लेता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यानी आपको सीधा लेटना भी मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कि आपको बैठ के सोना पड़े, हो सकता है आपके दिल का एक वाल भी साथ लीक हो जाए, हो सकता है आप जो है ना 10 कदम चलें और फिर आपको रुकना पड़े, यानी आपका सांस इतना चढ़ता हो और 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप की बस हो जाती हो। तो बाईपास ऑपरेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इन चीज़ों में तक ना पहुँचें और वो खून की नाले जो बंद है वहाँ पर हम बाईपास लगा लें। और अगर वो किसी से पूरी बंद भी हो जाती है तो हमारे बाईपास लगे होंगे और दिल के खुले डैमेज नहीं होंगे। दूसरा सवाल है कि बाईपास ऑपरेशन के बाद छाती में दर्द क्यों होता है। नॉर्मली ये 1-2 मिनट तक होता है और इसका ताल्लुक 99% केसेस में दिल के साथ नहीं होता। ये जो आपका जख्म होता है इसकी वजह से दर्द होती है, क्योंकि स्किन कटी होती है, स्किन के नीचे मसल्स कटे होते हैं, फिर उसके बाद हड्डी कटी होती है और इसके अंदर स्टील की तारों से पहले हड्डी हमने बाद में जोड़ी होती है। लेफ्ट साइड से या कभी कभार दोनों साइडों से हमने एक खून की नाली भी हार्वेस्ट की होती है, निकाली होती है, जो हमने दिल के ऊपर लगाई होती है। उसकी वजह से भी पेन हो सकता है, हल्की फुल्की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, लेकिन उसके लिए आप दर्द की कोई भी गोली खा सकते हैं, कोई ऐसी ज़रूरी नहीं। अगर आपके गुर्दे ठीक है फिर तो आप कोई भी गोली खा सकते हैं। अगर आपके गुर्दों में कोई मसला है तो फिर आप अपने डॉक्टर से रजू करें, वो आपको स्पेसिफिकली फिर दवाई लिख देंगे दर्द के लिए, वो दर्द आपका नहीं होगा। तीसरा सवाल है कि सांस क्यों चढ़ता है बाईपास के बाद। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। सांस चढ़ने का जो सारा अमल है वो जो मरीज है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपका दिल ठीक है, इजेक्शन फ्रैक्शन 40% या इससे ऊपर है और बाईपास के बाद आपका सांस चढ़ता है, इसका मतलब है कि आप सांस वाली वर्जिशें आप ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, यानी स्पायरोमेट्री नहीं कर रहे हैं और चेस्ट फिजी नहीं कर रहे हैं, जिस तरह डॉक्टर ने आपको बताया हुआ है या हमारी पिछले एक वीडियो में है कि हमने स्पायरोमेट्री कैसे करना है। यानी हर घंटे बाद 10 मिनट के लिए करना है, 6 दफ़ा बॉल उठानी है, 6 दफ़ा सांस लेना है, 6 दफ़ा बॉल उठानी है और फिर ये 6 दफ़ा सांस। इस तरह अगर आप वो नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आपके फेफड़े बंद हैं, और अगर आपके फेफड़े बंद हैं तो आपको सांस नहीं आएगा, आपका सांस चढ़ेगा। 100% खुले हुए फेफड़ों के साथ सांस लेना और 60% या 70% खुले हुए फेफड़ों के साथ सांस लेना, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। तो ये मरीज़ ने खुद इस चीज़ का ख्याल रखना है, उन्होंने अपने एक्सरसाइजेस करनी है, डॉक्टर ने जिस तरह उनको बताया हुआ है, तो इंशाल्लाह सांस भी नहीं चढ़ेगा। और तीसरा है कि एक सवाल बहुत सारे लोगों ने भेजा है कि हार्ट अटैक में और कार्डियक अरेस्ट में फ़र्क क्या है। हार्ट अटैक होता है कि आपको छाती में दर्द हुई, आपके दिल की कोई भी खून की नाली या 2 खून की नाली या 3 बंद हुई है और उसकी वजह से दिल के मसल से फटने में वहाँ तक खून जाना रुक गया है, वहाँ पर दर्द हुई है और वो कुछ हिस्सा डैमेज हो गया, लेकिन उसने वो मुकम्मल तौर पे काम करना छोड़ नहीं दिया। जो कार्डिक अरेस्ट है उसका मतलब है कि दिल मुकम्मल तौर पे रुक गया हुआ है और दिल ने धड़कना छोड़ दिया है, दिल ने जो है ब्लड को पंप करना छोड़ दिया है,
दिमाग तक ब्लड नहीं जाएगा, बाकी आपके जिसम के अलावा तक ब्लड नहीं जाएगा, इंसान की मौत भी वाकई हो सकती है। जो कार्डिक अरेस्ट है वो हार्ट अटैक की वजह से भी होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो जैसे ही कोई आप में से किसी को भी खुदाना हार्ट अटैक चाहती है दर्द हो तो फौरन अस्पताल जाना है या आपके लिए कोई एमरजेंसी सर्विसेज कॉल करनी है, या जो आपके जो आस पास हो अगर किसी को इस तरह हो तो आप लोगों ने कॉल करनी है। एक और सवाल लोगों ने बार बार पूछा है कि जवानी में हार्ट अटैक क्यों होता है। आजकल जो हमारा माशरा जिस तरफ जा रहा है, जिस तरह हम लोग जो बाजारी खाने खा रहे हैं, तो मैं अक्सर हर वीडियो में इस बात का तकरीबन जिक्र मैं करता रहता हूँ, जो बाजारी ऑयल ही है स्पेशली जो हमारे मुल्क में ये रिसाइकल्ड ऑयल आता है, ये दिल की खून की नालियों को बंद करने में इसका बहुत अहम किरदार है। एक तो गवर्नमेंट लेवल पर इस चीज़ को मेरे ख्याल में सख्ती से इसके ऊपर नोटिस देना चाहिए कि बाहर से जो ऑयल आए वो कोई इस्तेमाल शुदा ऑयल ना हो और ये रिसाइकल्ड ना हो, जो यहाँ पर उनको दोबारा साफ करा के फिर हमें बेचा जाता है। और दूसरी बात है कि जो बाज़ार के खाने हैं होटलों में, वहाँ पर मियारी ही ऑयल इस्तेमाल किया जाए, और ये जंक फूड इस्तेमाल करते हैं जिसमें ये बर्गर और ये चीज़ें तली हुई चीज़ें, ये आजकल के नौजवानों में बहुत ज़्यादा वो लोग शौक से खाते हैं, ये एक बहुत अहम वजह है। अभी तो हमारे एक रिसेंट रिसर्च के मुताबिक जो पाकिस्तान में हमारी एवरेज एज है, जो हमारे मरीज़ आते हैं एमरजेंसी में जिनका बाईपास या स्टंट लगाए जाते हैं, 26 साल है वो, तो ये तो बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात है, अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके ऊपर हम खुद कम्यूनिटी को भी और गवर्नमेंट लेवल पर भी हम सबको मिलकर काम करना होगा ताकि हम इस चीज़ को कंट्रोल करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और आपके जो बकाया सवाल हैं उनके जवाब के साथ हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।